सामाजिक बहिष्कार को समाज वापस ले, अन्यथा हो सकती है कड़ी कार्रवाई। महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा जन सुनवाई में दिए आदेश, इसके साथ ही विभिन्न प्रकरणों पर की गई चर्चा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा दुर्ग के जनपद सभागार में जन सुनवाई की गई, जिसमें डॉक्टर किरणमय नायक ने अंतरजातीय विवाह से संबंधित एक प्रकरण में अपनी दस्तक दी। प्रकरण में आवेदिका ने कहा कि 2010 में उसके द्वारा अंतरजातीय विवाह किया गया था, जिसके लिए गांव द्वारा उसे व उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, इसलिए उसने महिला आयोग के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन लगाया है। इसी प्रकरण में अनावेदक गण से महिला आयोग द्वारा पूछताछ की गई। उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि गांव व समाज के लोगों ने मिलकर आवेदिका, उसके परिवार व उसके ससुराल वालों को समाज से बहिष्कृत किया है। वहीं आयोग के द्वारा समझाइश दिए जाने पर अनावेदक गणों ने ये स्वीकार किया है कि आवेदिका और उसके परिवार को मिलाने की प्रक्रिया 14 जून को गांव एवं समाज द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आयोग की ओर से अधिवक्ता तुलसी साहू के साथ रामकली यादव, रत्ना नारामदेव व नीलू ठाकुर ग्राम बोडेगांव थाना नंदनी में उपस्थित रहेंगे। वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके बच्चों को अनावेदक गण द्वारा परेशान किया जा रहा है। पति की मृत्यु के बाद आवेदिका अपने पति की पैतृक संपत्ति वाले मकान के एक हिस्से में निवास करती है। इस तरह विभिन्न प्रकरणों पर चर्चाएं होती रही, जिसके संबंध में डॉक्टर किरणमय नायक ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ पर 27 प्रकरण में कुछ में पक्षकार आए थे, कुछ में नहीं आए थे। 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए हैं। तो प्रकरण की सुनवाई तो नियमित रूप से की जा रही है। तो अब दुर्ग में प्रकरणों की संख्या में कमी आई है हमारे, क्योंकि हम लगातार नियमित सुनवाई चल रही है। मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं सुनवाई है दुर्ग में। और आज जो इम्पोर्टेंट केस थे, एक मामला आया था जिसमें अंतरजातीय विवाह के लिए सिन्हा समाज के लोगों ने आवेदिका को और उसके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया था, और उससे 7,000 रुपये और 1,100 रुपये हर्जाना भी लिया था, और 5 साल बाद उनको शामिल करने के लिए 50,000 और 1,00,000 रुपये की डिमांड भी कर रखी थी। आज उनको समझाइश दिया गया, और उसमें हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ता तुलसी जी, हमारी रामकली जी, दीदी रत्ना जी और नीलू ठाकुर, ये चारों की एक कमेटी बनाई गई है, जो कल नंदनी थाना के बोड़ेगांव में जा कर के पूरे गांव समाज के सामने में समाज प्रमुखों के द्वारा पैसा भी आवेदिका को वापस कराया जाएगा, और उनको समाज में शामिल करने की उनसे घोषणा भी कराई जाएगी। यदि वो नहीं करते हैं तो नंदनी थाना के TI को भी निर्देशित है, एक ASI या हवलदार साथ में रहेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान, और यदि समाज के लोग इस प्रक्रिया का आदेश का पालन नहीं करते हैं तो धारा 384 IPC और नागरिक संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत FIR तुरंत दर्ज कराई जाएगी। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।